जय गुरु। चलिए आज एक गुरु भाई का परम दयाल श्री श्री ठाकुर के साथ वार्तालाप से श्री श्री ठाकुर इष्टवृत्ति यानी मंगल वृत्ति कैसे बताए थे उसके बारे में आलोचना करेंगे। जब देवघर संथाल परगन जिला में पड़ता था उस समय की घटना है। यह जिला देश की बहुत पिछड़े इलाके में एक था। उस समय यहाँ की ककड़ीला जमीन में खेती करना बहुत मुश्किल था। अधिकतर संथाली किसी तरह अपना जीवन यापन करते थे। श्री श्री ठाकुर के देवघर आगमन के कुछ वर्ष बाद एक गरीब संथाली श्री श्री ठाकुर का दर्शन करके दीक्षा लिया और अपनी गरीबी को दूर करने का उपाय पूछा। श्री श्री ठाकुर बोले, तुम नित्य इष्टवृत्ति करना। संथाली पूछा, ठाकुर मैं कैसे इष्टवृत्ति करूँगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। श्री श्री ठाकुर बोले, क्यों? वो बोला, मैं जो उपार्जन करता हूँ उससे किसी तरह कभी खाना जुटाता है कभी नहीं जुटाता है, पैसा तो कभी कभी ही मिलता है। श्री श्री ठाकुर बोले, पैसे नहीं है तो क्या हुआ, तुमको क्या इष्टवृत्ति करने की इच्छा है? वो बोला, जी ठाकुर मुझे इष्टवृत्ति करने की इच्छा बहुत है, लेकिन क्या चीज़ से मैं इष्टवृत्ति करूँगा? श्री श्री ठाकुर पूछे, क्या प्रत्येक दिन तुम्हारे घर में खाना बनाते हैं? उत्तर मिला, दिन में एक बार कुछ ना कुछ तो बनता ही है। श्री श्री ठाकुर बोले, तब एक काम करना, कुछ भी ना रहने पर तुम चूल्हे की राख से ही इष्टवृत्ति करना और तीसरा दिन मेरे पास लेकर आना। श्री श्री ठाकुर की बात सुनकर बहुत खुश होकर पति पत्नी नित्य इष्टवृत्ति नाम ध्यान और प्रार्थना करने लगे। एक दिन संथाली भक्त बोरे में राख बांध कर लेते आया और रोते हुए बोला, ठाकुर आपके निर्देशानुसार मैं राख से इष्टवृत्ति करता हूँ, लेकिन शर्म के चलते आपके पास ला नहीं पा रहा था। श्री श्री ठाकुर बोले, लाए हो, बहुत अच्छा किए। फिर पूछे, तुम जहाँ रहते हो वहाँ क्या कुछ खाली जगह है? उत्तर मिला, जी हाँ है। श्री श्री ठाकुर बोले, तुम उसी जगह पर इसी राख के साथ कुछ मिट्टी मिलाकर मान कच्चू की खेती करना। मान कच्चू के 100 पौधे मैं तुमको दूंगा। वो संथाल भक्त बहुत खुश होकर घर के सामने खाली जगह पर श्री श्री ठाकुर के निर्देशानुसार मान कच्चू लगाया। नित्य प्रसन्नचित भाव से इष्टवृत्ति नाम ध्यान प्रार्थना करने के बाद मान कच्चू की खेती पर ध्यान देने लगा। इष्टवृत्ति किया हुआ राख और भक्त के प्रसन्नचित मेहनत का खाद्य पाकर मान कच्चू समय के साथ तेजी से बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में लगभग 3 हाथ का एक कच्चू लेकर संथाली भक्त श्री श्री ठाकुर के पास आकर बोला, आपके निर्देशानुसार मैं खेती करके यह मान कच्चू लाया हूँ। श्री श्री ठाकुर बोले, खेत का पूरा नाम कच्चू तो मेरा है। संथाली भक्त ने कहा, जी ठाकुर मेरा सब कुछ तो आपका ही है, आपके ही आशीर्वाद से मेरा परिवार चल रहा है। श्री श्री ठाकुर बोले, तब एक काम करो, तुम्हारे बगीचे में जितना कच्चू हुआ है उसको बेचो, बेचने पर जो पैसा मिलेगा उसे मेरे पास नहीं लाकर तुम उस रुपये से व्यवसाय शुरू करोगे। संथाली भक्त श्री श्री ठाकुर के कथानुसार उस पैसे से अपना व्यवसाय शुरू किया। जो आमदनी होने लगा उससे वो नित्य इष्टवृत्ति करने लगा।
इसी तरह वो निस्वार्थ रूप से नित्य इष्टवृत्ति परायण होकर जजन जाजन करते हुए अपना आनंदमय जीवन व्यतीत करने लगा। परम दयाल से श्री ठाकुर ने चाहा था कि वो चाहे जो कष्टमय हो इष्टवृत्ति कराना ही है, क्योंकि इष्टवृत्ति ही मंगल वृत्ति है। श्री ठाकुर की बोले हुए तीन वाणी सुनते हैं, स्वयं उन्नत हो और दूसरे को उन्नत करो, किंतु स्वार्थ के धूमधाम से अवनति की वृद्धि मत करो, बड़े को छोटा मत करो, वरुँ ऐसी चेष्टा का निरोध करो जितना सको छोटे को बीत भाव से बड़ा बनाने की चेष्टा करो, जिससे वे यथार्थ में बड़े हो सके सत्ता सहित। वशिष्ठ को शिष्ट चलने से ऊर्ध्वगमनशील कर दो, उसे विपरीत चलन से अनासर से अपरिपोषण से नष्ट मत करो, अन्याय नहीं करो, दुर्दशा तुम्हें दुख पीड़ित नहीं करेगी। अन्याय का प्रतिवाद करो यदि सको, इसी प्रकार उसे निरत करो, मंगल के अधिकारी होगे और वही तो आशीर्वाद का दूत है। बुरे का निरत करो, किंतु जहाँ तक संभव हो विरोध की सृष्टि मत करो। यदि स्वार्थ की ही कामना है, अपने स्वार्थ का स्वार्थ होकर रहो, स्वार्थांध होकर उसकी उपेक्षा मत करो। स्वार्थपरता के कारण स्वार्थ का विसर्जन मत करो, तुम्हारा स्वार्थ निर्मल हो उठेगा। यदि पाने की चाह है, इसी प्रकार से सुप्रतिष्ठित हो जिससे तुम्हारा प्राप्य स्वतस्फूर्त हो उठे। जिसके कहने और करने में संगति नहीं है, उसकी ख्याति जितनी ही हो उस पर यदि निर्भर करना चाहो, खूब विचार कर करना, नहीं तो ठगे जाओगे, विपद में भी पड़ सकते हो। जो लोग काम करने में असावधान और बात बनाने में अनुरक्त है, अच्छा ही है यदि उनका व्यवहार कर सको, किंतु उन पर आस्था मत रखो, वंचित हो सकते हैं। जय गुरु।